बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर के, सरकारी कर्मचारियों के आपराधिक केस की जांच का यह मामला है। बता दें केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच की लेनी होगी अनुमति। जांच से पहले राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होगी, लिखित अनुमति के बिना जांच नहीं होगी। गृह विभाग ने ये जारी किया है नोटिफिकेशन। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का राज्य सरकार ने इस्तेमाल किया। तो सरकारी कर्मचारियों के आपराधिक केस की जांच का मामला, केंद्रीय जांच एजेंसियों को अब इसी मामले में जांच करने से पहले अनुमति लेनी होगी। जांच से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगी, लिखित अनुमति के बिना जांच नहीं हो पाएगी। गृह विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता दें दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का राज्य सरकार ने इस्तेमाल किया है। अब से बिना परमिशन के जांच नहीं हो सकेगी। बता दें आपको जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो अब पहले अनुमति लेंगी, लिखित अनुमति लेनी होगी। उसके बाद अगर सरकार हामी भरती है तो ही जांच पड़ताल हो सकेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, धारा 3 के नियमों के हिसाब से यह फैसला लिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सरकारी कर्मचारियों के आपराधिक केस में अब जो है अनुमति लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगी। केंद्रीय एजेंसियां जो है, जांच एजेंसियां, वो लिखित में अनुमति लेंगी। आता है कि मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी को शिकायत की जाती है और उसके बाद केंद्रीय एजेंसियां हैं वो जांच करना शुरू कर देती है। कई बार ये भी देखने में आया कि पूछताछ के लिए उनको तलब भी कर लिया जाता है और अब इस तरह का काम जो है वो केंद्रीय एजेंसियां नहीं कर पाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो पुलिस एक्ट है उसके जो धारा 3 है उसका उपयोग किया करते हुए, उन शक्तियों का उपयोग करते हुए नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया है कि अगर केंद्रीय एजेंसियों को मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होगी। बाकायदा आपको लिखित आवेदन देना होगा कि फला व्यक्ति के खिलाफ फला तरह की शिकायत मिली है और उसके बाद अगर मध्य प्रदेश सरकार अनुमति देती है तो ही केंद्रीय एजेंसियां मध्य प्रदेश में आकर वो जांच कर पाएंगी और यदि जांच एजेंसियां जो है वो अगर अनुमति नहीं लेंगी तो कार्रवाई को इलीगल माना जाएगा। इसके पहले हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार ने भी इसी तरह का एक आदेश जारी किया था। उसमें साफ तौर पर यह था कि सीबीआई हो या फिर ईडी हो, तमाम जो बड़ी एजेंसियां हैं वो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश जो राज्य के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके घर पर रेड नहीं कर सकती हैं। सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के लिए भी अब इस तरह का आदेश जारी हो गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और भिंड का जिक्र करते हैं। भिंड के लहार से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बंगले की अब नपाई हो सकती है। गोविंद सिंह के बंगले की जांच के लिए टीम पहुंची है। गोविंद सिंह पर रास्ता रोकने के आरोप लगे हैं। लहार एसडीएम से बंगले की शिकायत की गई थी। गोविंद सिंह के बंगले के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात है। 4 से 5 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष के करीबी राजा बाबू सेंगर की निजी भूमि पर प्रशासन का बुलडोजर चला था। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रवि रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो है गोविंद सिंह, उनके बंगले की अब नपाई की जानकारी मिल रही है, क्या है ये पूरा मामला बताइए जरा। ऋतु, मैं आपको बताऊं कि जो बाबूलाल टैगोर जो है भूपूर्व पार्षद वार्ड नंबर 12 है, उनके द्वारा और कुछ स्थानीय लहार के व्यक्तियों के द्वारा शिकायत की गई थी कि एक आम रास्ता है जो कि डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी के बगल से होकर गुजरता है। कहीं ना कहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो डॉक्टर गोविंद सिंह है उन पर आम रास्ता को बाधित करने के जो है वो इन लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए और एक शिकायती आवेदन लहार एसडीएम जो है विजय यादव उनको दिया गया था, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम इस पूरे घटनाक्रम को समझते हुए शिकायतकर्ताओं की शिकायत के बाद जो सर्वे है करने के लिए राजस्व विभाग का अमला मौके पर पहुंचा है। फिलहाल अभी डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी पर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है और इस घटनाक्रम को देखते हुए जो नेता प्रतिपक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह उनके भी जो समर्थक हैं करीबी हैं वो भी उनकी कोठी के बाहर
जमावड़ा लगाए हुए खड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी ऋतु के इस, अभी तक फिलहाल कोठी के अंदर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, लेकिन फिलहाल जो जहां से ये रास्ता शुरू होता है वहां पर प्रशासन की टीम जरूर पहुंच चुकी है और नफाई की तैयारी में जुटी हुई है राजस्व विभाग का अमला जो है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जानकारी को साझा करने के लिए। एमपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बता दें बीजेपी ने जारी की है प्रभारी से प्रभारी की सूची। मंत्री करण सिंह वर्मा होंगे बुधनी के प्रभारी। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को बुधनी के सहप्रभारी का जिम्मा दिया गया है। कृषि मंत्री एंदल कंसाना को विजयपुर की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व एमएलए नरेंद्र बिरथरे होंगे विजयपुर के सहप्रभारी। तो लिस्ट जारी कर चुकी है अब बीजेपी। बता दें उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने अब प्रभारी सहप्रभारी की सूची जारी की है जिसमें ये तमाम वो नाम है आपको बता रहे हैं। मंत्री करण सिंह वर्मा बुधनी के प्रभारी होंगे। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को बुधनी के सहप्रभारी बनाया गया। कृषि मंत्री अंदल कंसाना को विजयपुर की जिम्मेदारी। पूर्व एमएलए नरेंद्र बिरथरे अब विजयपुर के सहप्रभारी होंगे।